देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। यूपी के बांदा में आज गंगा यमुनी तहजीब देखने को मिली है, जहां एक हिंदू समुदाय के युवक की मौत पर सभी मुस्लिम भाइयों ने मिलकर पूरे रीति रिवाज के साथ युवक का क्रियाकर्म किया है। मृतक युवक के परिवार में उसे मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने युवक का अंतिम संस्कार किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के कांशीराम कॉलोनी का है, जहां कल देर रात कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की अचानक हालत गंभीर होने की वजह से उसे पड़ोसियों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पड़ोसी उसे वापस कॉलोनी ले आए और आज सुबह कॉलोनी में रहने वाले सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने मिलकर आज उस युवक का विधि पूर्वक क्रियाकर्म करते हुए अंतिम संस्कार किया है। जानकारी के मुताबिक युवक के पिता की कुछ वर्ष पहले ही मौत हो गई थी और युवक के परिवार में उसकी एक बूढ़ी दादी और उसका एक छोटा नाबालिग भाई बस थे, जिसकी वजह से उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई भी नहीं था, जिसके चलते कॉलोनी के सभी मुस्लिम भाइयों ने सौहार्द की भावना को प्रदर्शित करते हुए युवक का अंतिम संस्कार किया है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? हमारा नाम महमूद खान है और हमारे पड़ोसी जो है चंदभान साई का लड़का बंटी, उसकी अचानक हालत खराब हुई और वो जो है रात के 2 बजे उसको अस्पताल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसका लाके हमारे मुस्लिम भाइयों ने सबने मिलके उसको उसका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया। वकील, क्या हुआ है? हमारे पड़ोसी की तबीयत खराब थी, बंटी नाम युवक थी, उसकी तबीयत खराब थी तो 2 बजे रात में उसको बड़े अस्पताल लेके गए, इधर मारा घोषित कर दिया उसको, तो हम लोगों ने जो है जब जो है सारे करे पीड़ा कम करके राजघाट में लेके आए उसको, सारे मुसलमान भाइयों की मदद से पीड़ा कर्म दिया। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज।